आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने सपना सजोया, लेकिन कैथल का जिला प्रशासन उस सपने पर पीला पंजा चला रहा है। दावा बोलने का कोई हक थोड़ी बनता, कोई हफ्ते दस दिन दो दिन का नोटिस दिए जाए, ये लाइसेंस बना बना के दे रही है कमेटी, हमारे पास पड़े ये पक्के लाइसेंस हमारे को बना के दे रही है कमेटी, उधर से दे करके दे रही है, उधर ये काम उधर गए हमें बोले जा रहे हैं क्या मतलब, तो घर घर हाथ जोड़ रही कर रही थी, कहाँ गई उसको भी करा सारे देश में इसी के देश से जो भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा था आत्मनिर्भर बनो, गरीबों को ऊपर उठाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने सपना सजोया, लेकिन कैथल का जिला प्रशासन उस सपने पर पीला पंजा चला रहा है। कैथल के 20 सेक्टर में मौजूद हूँ, जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय संगीता तेत्रवाल के आदेश लेकर पहुँचा है कि अतिक्रमण को हटाया जाए, लेकिन जनाब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, क्या इस तरह से अगर कोई आत्मनिर्भर अपने बच्चों का गुजर बसर करता है तो क्या इस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्या आत्मनिर्भर सपने को इस तरह से साकार किया जाएगा, क्या दोहरी मंशा सरकार अपना रही है जहां एक तरफ आत्मनिर्भर बनने के दावे करती है और दूसरी तरफ जिला प्रशासन को कह देती है कि अतिक्रमण हटा दो और जो गरीब लोग हैं उनको दबा दो कुचल दो, एक तरफ गरीब लोगों को ऊपर उठाने की बात करते हैं और कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को आगे लेकर आएंगे, तो इस तरह से आगे लेकर आया जा रहा है। सुबह इनको चेयरपर्सन सुरभि गर्ग सर्टिफिकेट देती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन शाम जैसे ही होती है तो इनका जो कारोबार है वो चौपट कर दिया जाता है, पीला पंजा लेकर इनकी तमाम जो रेड़ियां लगी होती हैं उन पर फेर दिया जाता है और समान जपत कर कर नगर परिषद में ले जाया जाता है। साफ तौर लोगों का ये भी आरोप है कि किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया और ना ही किसी तरह की कोई चेतावनी दी गई, आए पीला पंजा चलाया, सामान को ट्राली में लादा और ले गए, ये कौन सा मतलब। लेकिन अब जिला प्रशासन और सरकार की जो धोरी मंशा है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से अब जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह से दबाने का और कुचलने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो अपनी जेब में एक में मंत्री को रखते हैं, दूसरी जेब में विधायक को रखते हैं, उपली जेब में सांसद को रखते हैं, उन लोगों के पास जाकर उनका जरा सामान उठाकर दिखाइए जनाब, गरीब लोगों पर हुकूमत कोई भी जमा सकता है, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कोई भी कर सकता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर कर दिखाएं, जब जानेंगे कि आप वाकई में ये अधिकारी है। यहाँ पर जो नगर परिषद के लोग पहुँचे हैं, अधिकारी पहुँचे, उनसे जान लेते हैं कि किनके आदेशों पर यह कार्रवाई की जा रही है और जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जिनकी रेड़ी उठाई जा रही है, जिनका कारोबार चौपट किया जा रहा है, उन लोगों से जान लेते हैं कि क्या पहले भी किसी तरह का नोटिस दिया गया या कोई चेतावनी दी गई या सीधे तौर पर आए पीला पंजा चलाया ट्रॉली में लौदा और चले गए, इस बारे में इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी? विनोद कुमार। क्या काम करो? अपने यहाँ रेडी लगाते हैं जिधर छोटा सेक्टर 20 में। आज ही सुबह चेयरमैन साहब ने हमें वहाँ बुलाया कमेटी में, हमें प्रधानमंत्री रोजगार के तहत जो लाइसेंस बने हुए हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट के थ्रू वो हमें प्रोवाइड कराए और आज ये से हमको कार्रवाई करवा दी। तो ये क्या समझ से बाहर है, क्या कहानी है ये? तो पहले भी कभी चेतावनी नोटिस? कभी कोई चेतावनी नहीं, कोई नोटिस नहीं है, हमारा काफ़ी नुकसान है, अकाउंट भी टूटेंगे, सामान भी है उसके अंदर, पहले हमें लाइसेंस बनाए दे रहे हैं सभी को, तीन लाइसेंस बने हुए हैं हमारे, एक अपने पहले इसका प्रधानमंत्री रोजगार का है और उसमें साथ में लोन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं स्ट्रीट वेंडर एक्ट के थ्रू, लेकिन आज ही कमेटी में बुलाए थे हम सारे, उसमें से कुछ मैं भी गया था, मेरी भी कहता फोटो भी आज मीडिया में पर्सन गए हुए थे, आप चेक कर सकते हो, तो लेकिन आज ही कार्रवाई हुई है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, कहाँ जी आपके सामने देखो कितने काउंटर टूटे पड़े हैं, क्या आत्मनिर्भरता रहेगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या मांग, एक तरफ लाइसेंस देते हो दूसरी तरफ पीला पंजा चलाते। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत गलत सिस्टम है जी ये, पहले कोई नोटिस, कम से कम नोटिस तो दो, कम से कम अपने सामान तो उठा लें यहाँ से, या फिर हमें कोई जगह दी जाए, यदि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के थ्रू हमें लाइसेंस दिए जा रहे हैं तो हमें एक कम से कम कोई जगह प्रोवाइड की जाए एक एकांत में भी, जहाँ पूरा स्ट्रीट वेंडर एक्ट के थ्रू फास्ट फूड की है, सब्जी है, वेजिटेबल है, फल फ्रूट है, वो लगाया जाए। तो लाइसेंस होती है आपके पास है? वो मेरे पास है, अभी घर पर रखा है, अभी मैं कमेटी में लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ जितने भी फास्ट फूड वाले हैं सभी जाएंगे, अभी हम कमेटी में जाके धरना देंगे जी। कोई कारण नहीं, कोई नोटिस नहीं है जी, कम से कम नोटिस तो हो, वे कहता हमने यहाँ डस्टबिन लगा रखे हैं सभी ने जी, और शाम को सभी जब घर जाते हैं 10:30-11 बजे सभी सफाई करके जाते हैं, यदि कोई लड़का नहीं करके जाता हम भी कहता बोलते हैं,
भाई आपने सफाई नहीं, यदि सफाई नहीं समय से आप लोग यहाँ रेडियां लगा रहे हैं, 4 साल हो गए जी यहाँ पे। आज सुबह चेयरमैन पर्सन ने हमें ये रेडी पटरी वालों को सबको लाइसेंस प्रोवाइड कराए हैं, साथ में मीडिया कर्मी बुलाए हैं और इसके अंदर हमें जो लोन वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है उसकी किस्तें भी हैं। लेकिन एक तरफ तो हमें रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री साहब भी कह रहे हैं, अपने प्रशासन भी सारा कह रहा है कि लाइसेंस कराओ, प्रोवाइड कराओ, लेकिन उसके बाद हमारा ये कार्रवाई हो रही है, नुकसान हो रहा है जी। सुरभिकरण सुरेश नोच जी और जो कि हम उसके रिश्तेदार खड़े खुद और बताओ इसके सामने, तो भी ये आला उस टाइम तो वोट के टाइम ये कर देंगे ये कर देंगे। आज गरीब जनता से ये जो रोजी रोटी कमा रहे अपना शाम को पेट पाल रहे 500 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी करने से, और जब तो घर घर हाथ जोड़ रही कर रही थी, कहाँ गई उस रुपये करेगा भी सारे देश भाई इसी के देश है जो भी है। ये लाइसेंस बना के दे रही है कमेटी, हमारे पास पड़े हैं ये पक्के लाइसेंस हमारे को बना के दे रही है कमेटी, उधर से तो ये करके दे रही है, उधर ही उधर हमें बोले जा रहे हैं क्या मत बोला डी सेक्टर में काम करो, हम हर जगह गए हमारे पास लाइसेंस बने हुए हैं फिर भी हमारे साथ ही काम हो रहा है, लाइसेंस क्यों बना के दे जा रहे हैं हमारे को। मोहन लाल भाई सेक्रेटरी नगर परिषद कैथल। सर किस तरह का कार्यक्रम का चलेगा? कार्यक्रम ये है भाई, जो अवैध अतिक्रमण सड़कों पे इलीगल एक्रोचमेंट है उसको हटाया गया है नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की मदद से, और उनसे ये सख्त हिदायत दी जाती है भाई दोबारा वो सड़क पे अतिक्रमण ना करें, इससे ट्रैफिक में व्यवधान पड़ता है और शहर की सुंदरता भी बिगड़ती है। तो अगर किसी तरह का कोई विरोध होता है उसके लिए क्या कुछ होगा? विरोध के लिए हमारे जो सिटी थाने संबंधित थाने से पुलिस प्रशासन हमारे साथ हैं और नगर परिषद की पूरी टीम है, जेसीबी और ट्रैक्टर के सहायता से जो इलीगल एक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। नोटिस वगैरह भी दिए गए हैं? नोटिस वगैरह जिसका पक्का स्थायी कब्जा है ना उसको तो नोटिस भी दिए गए हैं और उनको आगे कोर्ट की कार्रवाई भी करवाई जा रही है। जो ये रेडियां वाले हैं जो इलीगल तौर पे बैठे हैं उनको आज उनके सामान के साथ उनको बोला भी यहाँ से हटाया जाए, और जो जिनका पक्का कब्जा था उनको जेसीबी से तड़वाया भी गया। तो क्या सामान ऐसा भी जिसको जब्त किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो रोड पे सामान था जो ट्रैफिक में या लोगों के सुविधाओं में दिक्कत आ रहा था उसको हमने उठा के जब्त भी किया गया। तो ऐसे लोगों को क्या चेतावनी रहेगी जो लोग नोटिस देने के बाद भी सूचना देने के बाद उनको भविष्य में नगर परिषद ऐसी जो कार्रवाई है वो नियमित जो रूप से करेगी, और मेरी सभी लोगों से निवेदन भी है रिक्वेस्ट भी है भाई वो इलीगल जो इनक्रोचमेंट है वो ना करें, जो नगर परिषद या पक्का जो दुकान है उन्हीं पे ही अपना सामान बेचें, सड़क पे ना बेचे। अगर भविष्य में ऐसा करेंगे तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का चलान का भी प्रावधान है? चलान का भी करता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलान का भी है, पब्लिक जो न्यूसेंस एक्ट के तहत उन पे नियम अनुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आपका नाम और पद? सर प्रदीप शर्मा सैनिटरी इंस्पेक्टर। किस तरह का अभियान शुरू किया गया? ये अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है सड़कों पर, उसको हटवाया जा रहा है। तो किनके आदेश हैं? ये DC मैडम के आदेश हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अवैध अतिक्रमण ना करें, शहर को साफ सुथरा रखें। तो पहले भी कहीं इनको चेतावनी दी गई? हाँ दी गई है, कई बार चेतावनी दी गई है और आज सामान भी जब्त किया गया है इनका। तो आगे अभियान कब तक चलेगा? रूटीन में चलेगा ये अभियान। तो उन लोगों से क्या अपील है जो नोटिस के बाद भी नहीं जाग रहे, और उन लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं? अतिक्रमण ना करें, शहर को साफ सुथरा रखें।